नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मौसम खान ने आज अमनसपुरा बल्दी डिवीजन के तहत कई इलाकों का पैदल दौरा किया और मकामी आवाम के मसाइल की समाअत की। उनके दौरे में बल्दिया बरखी और आबरसानी के उद्योगदार भी शरीक थे। बाद हजार मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस ने बहादुरपुरे में कई करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और मजीद काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहने वाली जमात है। इस दौरे में रमनसपुरा के कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। रमनसपुरा डिवीजन में जुगनू फंक्शन हॉल से आज का पैदल दौरा चालू किया गया था। इस दौरे के अंदर इस एरिया के कॉर्पोरेटर जनाब मुबीन साहब, रमनसपुरा डिवीज़न के दूर मोतमदीन मंदिर से तैयार मतलब मीन तफसीली दौरा किए। आज इस दौरे में जीएचएमसी ऑफिसर से मेरे साथ, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की जो कारकर्दगी है, मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का जो वर्कर हमेशा आवाम के दरमियान में रहता है, उसी का नतीजा इस महलों में, इस बस्तियों में डेवलपमेंट है। आपको फिरकर आज मैं तक फिरकर देखा हूँ, माइनर मेंटेनेंस वर्क्स के अलावा हमारे बस्तियों में कोई दूसरा काम नहीं है। ये क्रेडिट मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के वर्कर को जाता है, उनकी मेहनत है, उनके जो हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश करते, उसी का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर करोड़ों रुपए के काम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं और दौरे कर अपनी बस्तियों में फिरकर जो माइनर वर्क्स बाकी है, जो हम कामा प्रपोज कर चुके हैं, जो कामा स्टार्ट होना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामा भी जल्द से जल्द तकमील कराएंगे। इसके अलावा मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बड़े मसाइल थे, जैसा बहादुरपुरा फ्लाईओवर था, किशनबाग का पार्क का था, फलकनुमा के बाजू के एक्सेस और एक ब्रिज का है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हाउसिंग का है, ऐसे बड़े बड़े मसाइल मंजिल इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जीएचएमसी को प्रपोज करती है और कामा सेंक्शन करा रही है। आज हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। आज इसका क्रेडिट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ दीजिए, उनके मसाइल को सुनिए, उनके साथ रहे तो आप मालूम होगा। उन्हीं की कहने के ऊपर आज हर वर्कर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का हर बस्ती में एक्टिव है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।